हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुक्कू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्भ में लड़की होने के कुछ लक्षणों की। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए, और ये वीडियो देखने के बाद पसंद आती है तो इसे एक बार लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला लक्षण है दोस्तों, माना जाता है कि अगर गर्भ में बेटी है तो आपको बहुत सारी चीज़ों की स्मेल से दिक्कत होगी। जैसे कि अगर दूध बॉईल हो रहा है या फिर तड़का लग रहा है, उसकी स्मेल से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपको उल्टी आने लगती है उन चीज़ों की स्मेल से, तो ये लक्षण गर्भ में बेटी होने का माना जाता है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान सीधे पैर में ज्यादा दर्द रहता है और सीधे तरफ बच्चे की हलचल ज्यादा पता चलती है, और हमेशा आप राइट करवट लेकर सोना ज्यादा पसंद करती है, तो ये भी लक्षण गर्भ में बेटी होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपका प्रेगनेंसी का तीसरा या चौथा महीना चल रहा है और उसी टाइम से अगर आपको आपके ब्रेस्ट में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आपका सीधी साइड वाला जो ब्रेस्ट है वो उल्टी साइड वाले ब्रेस्ट से ज्यादा हैवी हो गया है, तो ये गर्भ में बेटी होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, अगले लक्षण की बात करें तो हमारी जो बूढ़ी बुजुर्ग औरतें, महिलाएं वगैरह होती थी, वो बताती थी कि अगर आप सपने में बेबी बॉय को देखती है तो आपकी आने वाली संतान बेबी गर्ल हो सकती है, ये गर्भ में बेटी होने का लक्षण माना जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जो भी लक्षण बताया है, ये हमारी दादी नानी वगैरह होती थी वो गर्भवती महिला को जो देखकर जो लक्षण बताती थी उसी के हिसाब से बताया है, तो आप इसे सिर्फ अनुमान लगा सकती है, आप इसे कंफर्म नहीं कर सकती कि आपको बेटा ही होगा या बेटी ही होगी। आप इस वीडियो को सिर्फ अपनी एक्साइटमेंट को शांत करने के लिए देखिए। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे एक बार लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.